हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैम छो मैं अपेक्षा। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं अपनी मम्मी के हेयर में हेयर मास्क अप्लाई करने वाली थी, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। गाइस, आज मैं वाव स्किन साइज का ऑनियन हेयर मास्क अप्लाई करने वाली हूँ अपनी मम्मी के हेयर में। ऑलरेडी इसका रिव्यू वीडियो मेरी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आप लोगों को इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑलरेडी मैंने इसको 2 से 3 बार यूज कर लिया है। मेरे हेयर में इसने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिला है। मेरे हेयर थोड़े स्ट्रेट है और इतने ज़्यादा डैमेज भी नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी के हेयर थोड़े कर्ली है और थोड़े बहुत डैमेज भी हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि कर्ली और डैमेज हेयर में ये कैसा वर्क करता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मेरी मम्मी आने वाली है। तो चलिए फिर गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बकबक नहीं करते हैं, चलिए फिर तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं वाव का ऑनियन हेयर मास्क यूज़ करने वाली हूँ अपनी मम्मी के हेयर में। सबसे पहले ये हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले हमें अपने बाल को वॉश करना पड़ता है, और गीले बालों में ही हमें इसे अप्लाई करना होता है। मेरी मम्मी ने हेयर वॉश कर लिया है और ये गीले बालों में ही मैं ये हेयर मास्क को अप्लाई करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपने हेयर को, मम्मी के हेयर को ठीक कर लेती हूँ। अब मैं थोड़े थोड़े बाल लेकर इसे अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है। अब मैं इसे अपने मम्मी के बालों में थोड़े थोड़े लेकर अप्लाई कर लूँगी। इसे बालों की लेंथ में ही अप्लाई करना है, बालों की स्कैल्प में इसे अप्लाई नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मल हेयर मास्क यूज़ करते हैं, ठीक इसी तरीके से हमें इसको भी बालों की लेंथ में थोड़ी थोड़ी लेकर इसे अप्लाई करना होता है। गाइस, ये जस्ट संडे पैम्पर रूटीन है हमारा। इसके बाद मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को रिव्यू वीडियो में शेयर किया हुआ था कि इसका रिज़ल्ट मेरे बालों में कैसा आया है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि ये हेयर मास्क का कर्ली एंड डैमेज हेयर में कैसा रिज़ल्ट मिलता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरह से जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरीके से अब मैं थोड़े थोड़े बाल लूँगी और इसे अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हो इसी तरीके से हमें अप्लाई करना है। मेरी मम्मी के हेयर थोड़े लॉन्ग हैं। आप चाहो तो ये हेयर मास्क को हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हो। और हाँ गाइस, ट्रस्ट मी, ये हेयर मास्क बहुत ही अच्छा है। मेरी मम्मी के हेयर में भी इसने बहुत ही अच्छा वर्क किया था। मैं वो वाली क्लिप शूट करना भूल गई थी, लेकिन आप अगर अपने आपके डैमेज हेयर है या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर फ्रीजी हेयर है, तो आप ये हेयर मास्क को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर रेड ऑनियन भी है। और आप लोगों को पता ही होगा, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, रेड ऑनियन हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। चलिए फिर इसी तरीके से मैं पूरी हेयर लेंथ में इसे अप्लाई कर लूँगी, और इसे हम 30 मिनट्स तक या फिर 45 मिनट्स तक रख सकते हैं और फिर हेयर वॉश कर लेना है। और हाँ गाइस, सिर्फ पानी से ही क्लीन करना है। इसको यूज़ करने के बाद हमें शैम्पू या फिर कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। इस तरह से बालों के एंड तक मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, और फिर 45 मिनट्स तक या फिर 1 घंटे तक कम से कम रहने दूँगी अपनी मम्मी के हेयर में, और फिर मम्मी हेयर वॉश कर लेगी। हेयर वॉश करने के बाद मेरी मम्मी के हेयर बहुत ही अच्छे और एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए थे, और बालों में एक अलग सी साइन आ गई थी। और हाँ गाइस, सॉरी मैं आप लोगों के साथ वो वाली क्लिप शेयर करना भूल गई, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपके हेयर डैमेज है तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेयर फॉल के लिए मैं अभी आप लोगों को नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी मैंने अपनी मम्मी के हेयर में सिर्फ एक ही बार ट्राई किया है, तो एक ही बार में तो हेयर फॉल के बारे में रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आपके हेयर काफ़ी हद तक रिपेयर हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते जाएगा, एंड चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।